18 पोस्ट वैकेंट है, पिटिशनर का वेटिंग लिस्ट में 2 नंबर पे रहा पोस्ट वेकेंट होने से वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होती है क्या? हूँ, दूसरे लोगों को दिया जा रहा है हमारा। वेटिंग लिस्ट से? हाँ वेटिंग वेटिंग लिस्ट लिस्ट कब ऑपरेट होती है तो समझाइए तो दूसरे हमें, दूसरे सहायक प्राध्यापकों को दिया जा रहा हमें अभी। उससे मतलब नहीं है। मैडम आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं ना, मैडम आप तो ये बता दीजिए कि कितने पद विज्ञापित किए गए थे, कितने मैडम लोग सिलेक्ट हुए, और वेटिंग लिस्ट का नियम में क्या प्रावधान था? इसमें हमने एक सर्कुलर लगाया मालट, हाँ उसमें यह है कि 1 साल तक अगर इनकी वो तो हमें मालूम है, 1 साल तक नहीं भरी जाएगी, या कोई छोड़ के चला जाएगा तो वो हो जाएगा। ये बताइए कितने पद विज्ञापित हुए थे? अच्छा मालट P1 मालट एडवर्टाइजमेंट है, अच्छा P1 एडवर्टाइजमेंट कुल पद 138 थे, क्रीड़ा अधिकारी एक सौ 38 थे कुल पद, हाँ पे सो 16 है पे 16 पेज 16 ठीक है। 2018 का विज्ञापन है ये, कब मलट हुआ सिलेक्शन पूरा? 2019 तक चला है। मैं हाँ तो उसमें फिर वेटिंग लिस्ट कितने साल के लिए ऑपरेशनल रहती है? 1 साल के लिए? 2000 2000 अभी हम हमारे हमारे एक वेटिंग लिस्ट के 1 नंबर कैंडिडेट का था, हाँ अभी हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच ने फैसला दिया है कि इसको कंसिडर किया जाए। हम नहीं दे पाएंगे ऐसा फैसला, क्योंकि हमें जितना कानून आता है उसके मुताबिक वेटिंग लिस्ट की एक समय अवधि रहती है, बाकी उसके दूर बियॉन्ड वी कैन नॉट ऑपरेट, लाइए उसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। और दूसरे 2018 का एडवर्टीजमेंट है, 19 में रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, आज हम 23-24 में ये डायरेक्शन नहीं दे सकते कि वेट लिस्ट कंसीडर किया जाए। जो आप सर्कुलर बता रहे हैं वो भी कहता है 1 साल के भीतर, आपको ये बताना पड़ेगा कि 19 में पद वैकेंट हो गया था, और अगर 19 में पद वैकेंट हो गया था तो आप क्यों नहीं आए 20 में? और भी पोस्ट खाली है सर उसकी। होंगी उसके लिए नहीं भर्ती होगी, उसके लिए नहीं भर्ती होगी, आप फिर से अप्लाई करिएगा, अगर आप योग्य पाए जाएंगे तो आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। नियम जो कहता है हम नियम से चलेंगे। लाइए दीजिए डीबी का ऑर्डर, इसको भी डिस्टिंग्विश कर देते हैं, फिर आगे सुविधा रहेगी आपको, नहीं तो आप रिट अपील में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि ऑर्डर फॉलो नहीं किया। लाइए दीजिए ना डीबी का ऑर्डर, दीजिए लीजिए भाई। कॉपी हमको ये कौन सा नंबर है दिस रिट पिटीशन इज फाइल्ड, नंबर है उसका डीबी का 14031। क्लेमिंग अ डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट्स टू कंसीडर एंड ग्रांट अपॉइंटमेंट टू द पिटीशनर टू द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफिसर अलोंग विद ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स लाइक पे, पर्क, स्टेटस, सीनियोरिटी एंड एरियर्स अराइजिंग देयर फ्रॉम इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट पैरा, श्री शिव शंकर त्रिपाठी फेयरली सबमिट्स दैट एन एडवर्टीजमेंट वॉज इशूड बाई द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एज कंट ऑन इन इन 2018 एज कंटेन्ड इन एनेक्सर P1 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लाइब्रेरियंस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन वॉज 4/7/2018 फुल स्टॉप। इट इज एडमिटेड दैट मेरिट लिस्ट वॉज इशूड वाइड ऑर्डर डेटेड 7 दिसंबर 2018 एज कंटेन्ड इन एनेक्सर P2 फुल स्टॉप। नेम ऑफ द पिटिशनर वॉज एट सीरियल नंबर 2 इन दी वेटिंग लिस्ट, यही है मैडम ना, हाँ मैडम इन दी वेटिंग लिस्ट फुल स्टॉप। कुछ ही सुनिए। कहाँ है आपका नाम वेटिंग लिस्ट में? पेज Page 43 मतलब 43 यस 51 51 है? हाँ नंबर पे। हाँ तो 2 नंबर पे थोड़ना है। ये अनुपूरक सूत्र वॉज एट सीरियल नंबर 51 ऑफ द वेटिंग लिस्ट इशूड फॉर द ये अपॉइंटमेंट ऑफ ओबीसी की स्पोर्ट्स लिस्ट है। ऑफिसर। नेक्स्ट पैरा, पिटिशनर बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी। नेक्स्ट पैरा,
It is submitted that Division Bench of this High Court in WP 14031 बटे 2022 by order dated 1st July 2022 has directed the respondent number 2 to consider representation dated 18/5/2022 in accordance with law as expeditiously as possible and disposed of the petition. Next paragraph. Placing reliance on this decision of the division bench, it is submitted that petition similar directions be issued in favor of the petitioner. Next paragraph. Petitioner's counsel has placed has named, places reliance on the GAD circular is annexure. PC 1 months. On GAD circular dated 14 July 2016, wherein it is mentioned that if any post remains vacant or falls vacant on account of resignation or death or for any other reason after taking over of charge by the selected candidate, then during the period of the validity of the waiting list or for a period of 1 year, whichever may be less, such posts falling vacant be not treated as new posts but can be filled by operation of the waiting list. Next paragraph. Admittedly, when result was declared in the year 2018, then even if the provisions contained in Annex P7 GAD circular dated 14 July 2016 are applied to the facts and circumstances of the case, it will be evident that waiting list lapsed in the year 2019, and thus no relief can be given to the petitioner to be considered for appointment by operation of the waiting list at this distance of time. Full stop. Probably this aspect was not brought to the kind notice of the Honorable Division Bench when directions were issued to decide petitioner's representation, though government advocate had appeared for the state, as is evident from the title of the order, and thus when this vital aspect being not brought to the notice of the DV, that the order is distinguishable on its own facts and will not be applicable to the facts of the present case. Thus, both on merits and on humanitarian consideration, claim of the petitioner being not based on any legal foundation deserves to be dismissed and is hereby dismissed. May I make a mention? P5 मतलब दूसरे लोगों को उन्होंने 2020 दिया होगा. चलिए हाँ बताइए ना. मतलब I apologize for not coming in the first round. In item number 3, my lords have passed the order. My only prayer is that I had filed my reply. ठीक है, क्यों नहीं आए थे आप? My lord, I was prevented from some prevented by whom? For some आतंकवादी अटैक हो गया क्या? नहीं नहीं, for some unavoidable reasons. Yeah. If my अरे मेरे को लगा आतंकवादी अटैक तो नहीं हो गया. नहीं नहीं, हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए भागे नहीं. नहीं नहीं, हम लोग अच्छा हैं कोहरे के कारण. If my lord deem it proper, से यहां तक कोहरा था. नहीं नहीं, हैं कोहरा नहीं था. शर्मा जी, आप कहां से आते हो? वहीं से आते हैं. राइट टाउन के पास से आते हो आप? अच्छा, और आप वर्मा जी? नेपियर टाउन तो राइट टाउन के पहले ही पड़ता है. पहले वहां नहीं है सर. अच्छा, वहां कोहरा नहीं है. अच्छा, लेटर ऑन करके डाल दीजिएगा.